भोजपुरी सिनेमा का बाजार फिलहाल गर्म है। नए दौर की भोजपुरी फिल्मों ने सफलता का एक नया ही अर्थशास्त्र गढ़ा है और यकीनन एक नया समाजशास्त्र भी, जहां अश्लीलता बेची जा सके। भोजपुरी की पहली फिल्म है गंगा मैया तोहे पियरी चढ़ैबू। हिंदी सिनेमा के मशहूर चरित्र अभिनेता नाजिर हुसैन और बिजनेसमैन विश्वनाथ शाहबादी ने 1963 में यह फिल्म आज़ाद भारत के प्रथम राष्ट्रपति राजेंद्र प्रसाद की प्रेरणा से बनाई थी, ताकि भोजपुरी भाषा, समाज और भोजपुरी की समृद्ध संस्कृति और विरासत को रुपहले पर्दे के जरिए लोगों तक पहुँचाया जा सके। लेकिन आज हालत ये है कि भोजपुरी फिल्में भोजपुरी संस्कृति और भोजपुरी अस्मिता को बहुत दूर तक रेखांकित नहीं करती, अपने समय समाज के सरोकारों से पहचान नहीं कराती। हालांकि आज भोजपुरी फिल्मों का बाजार तो बहुत बड़ा है, लेकिन भोजपुरी संस्कृति की जमीन सिकुड़ गई है। और हम ना चाहते हैं कि हमार होए वाली मेहरारू कोई दूसरे मरद से रास रचावे। हमार होवे वाला पति देव तू? हाँ। तोहरे जैसन लफंगा से ब्याह करे के पहले हम मऊ से ब्याह कर ले। भोजपुरी सिनेमा के शुरुआती दौर में जरूर कुछ अच्छी फिल्में बनी, ऐसी फिल्में जिनमें भोजपुरी समाज और संस्कृति की झलक दिखाई देती थी। लेकिन नई सदी के नए दौर में भोजपुरी सिनेमा की पहचान अश्लील और दोयम दर्जे के सिनेमा की हो गई है। भोजपुरी फिल्मों की बनी ऐसी पहचान भोजपुरी फिल्मों के बाजार के लिए भले फायदेमंद हो, यह भोजपुरी सिनेमा की सफलता नहीं है। भोजपुरी सिनेमा में खाती भोजपुरी मन मिजाज एवं सांस्कृतिक सुचापन का होना अभी शेष है। भोजपुरी सिनेमा की यह विडंबना रही है कि यहाँ अधिकांश लोगों ने सिर्फ और सिर्फ अवसरों के दोहन और कमाई के लिए ही कदम रखा। विडंबना ये भी है कि बाहर वालों के लिए ही नहीं, जो भोजपुरी क्षेत्र के हैं उनके लिए भी भोजपुरी सिनेमा फटाफट कमाई और प्रसिद्धि का जरिया मात्र ही रहा। भोजपुरी सिनेमा का बाजार फिलहाल गर्म है। नए दौर की भोजपुरी फिल्मों ने सफलता का एक नया ही अर्थशास्त्र गढ़ा है और यकीनन एक नया समाजशास्त्र भी, जहां अश्लीलता बेची जा सके। भोजपुरी फिल्में कहानी, कंसेप्ट और ट्रीटमेंट के स्तर पर पिछले पायदान पर खड़ी नजर आती हैं, जबकि जबरन डाले गए आइटम सॉन्ग्स, द्व्यर्थी और भोंडे गीत संवाद के मामले में भोजपुरी सिनेमा अगली कतार में खड़ा दिखाई देता है। उंगलियों पर गिनी जाने वाली चंद फिल्मों को छोड़ दें तो अश्लीलता और फूहड़पन की खोल में लिपटी अधिकांश भोजपुरी फिल्में बी सी ग्रेड की एडल्ट फिल्में बनकर रह गई हैं। सिनेमा किसी भी भाषा या क्षेत्र का हो, वहाँ हर तरह की फिल्में बनती हैं, अच्छी और बुरी दोनों तरह की। लेकिन भोजपुरी में सिर्फ स्तरहीन और दोयम दर्जे की फिल्मों का ही बोलबाला है। सफलता के चक्कर में भोजपुरी सिनेमा अपनी जड़ों से कटता जा रहा है। व्यावसायिकता के दबाव में जेन्युइन हो पाना असंभव होता है। जब तक भोजपुरी फिल्में व्यावसायिकता के दबाव को लांघ कर सार्थक रचने की कोशिश नहीं करेंगी, भोजपुरी सिनेमा तीसरे दर्जे का ही सिनेमा बना रहेगा। के पिंजरा में बंद भइल हाय राम,
चिरई के जियावा उदास।